बस गए जल्दी जल्दी से हम लोग निकल गए हैं रेडी वेडी होके और अभी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो चलिए वहाँ पर चल के हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। गाइस यही सरप्राइज था जो मैंने डिस्क्लोज नहीं करा था अभी तक। गाइस आपको वक्त आ गया है जो मैं अपना जो सरप्राइज इतने दिन से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी और मैं शेयर कर रही हूँ। सो अभी मैं बैठी हुई हूँ अपने ऑफिस में, मतलब कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में। जी हाँ, हमारा हॉस्पिटल हमने खुद का ओपन करा है, पूरी बिल्डिंग बनवाई है, उसका आज इनॉग्रेशन है, पूरी फैमिली मेम्बर्स सब लोग हैं, मेरे मायके से बहुत सारे लोग आए, मेरे पापा के फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं और भी लोग आने बाकी हैं। अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने सारी वीडियोज़ तो शूट करी पर जिस दिन इनॉग्रेशन है उस दिन का कोई भी वीडियो नहीं शूट करा। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाँ, क्योंकि मैं ये पहले आगे पीछे थोड़ा सा क्लिप्स होंगी। तो चलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ हॉस्पिटल का। एंड मैंने एक और वीडियो शूट करवाई हुई है, ये तो हालांकि मैं फ़ोन से ब्लॉक कर रही हूँ बट प्रोफेशनली वीडियो मैंने शूट करवाई हुई है जो कि कैमरामैन कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैं आपसे में शेयर करने वाली हूँ, पिक्चर्स वीडियो सारा कुछ। बोल के सारी चीज़ें बताने का जो ब्लॉग होता है ना वो एक अलग ही होता है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आप, टेबल में सारी बॉटल्स वगैरह आ गई, सारी ऑफिस की चेयर्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर आने वाले हैं एक्चुअली जो इनॉग्रेशन होगा, रिबन कट करेंगे वो प्रद्युमन सिंह जी, तो वो हमारे एक्चुअली चीफ गेस्ट हैं, तो वो आने वाले हैं, तो बस उन्हीं की आने की तैयारी चल रही है। तो दिखाते हैं अभी हम। हमारे बाबा डॉक्टर साहब। दादी माँ, दादी माँ को कैसा लग रहा है आपका, आपके पोते का हॉस्पिटल है, इतना बड़ा अचीवमेंट करा है उन्होंने। दादी की अच्छी खुशी तो कभी किसी को हो ही नहीं सकती भाई। दादी को खुशी है, सही बात है, सही बात है। मेरा पहला शुभ काम हो रहा है भाई, इसके साथ साथ एक और दूसरा शुभ काम हो रहा है बस बहुत जल्द। बाबा आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत खुशी है, अभी हम होना चाहिए दादा को। अभी कह रहे थे घर पे उन्हें ऐसे अच्छी थोड़ी लगती है, गोल में लिए खेले। ओ
वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस ये तो था कि कभी किसी को फ़ोन पकड़ा दिया तो रिकॉर्ड हो गई सारी चीज़ें। सो एक्चुअली मैंने काफ़ी सारा फ़ोन से ब्लॉग शूट करा हुआ है जो कि आपको इस पूरे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, और मैंने काफ़ी लेंथी वीडियो बनाया है तो वीडियो पूरा आप लोग इन्जॉय करेगा क्योंकि एंड तक वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सो फिलहाल लोग बाग आते जा रहे हैं, यहाँ पर मेरी मम्मी आ गई। एक्चुअली मम्मी बाद में आई थी, पहले मैं आ गई थी क्योंकि यहाँ पर पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई थी और मैं लेट हो गई थी, आपको पता है ना ऐसा हो जाता है। तो अपने आगे फंक्शन में ही सारी चीज़ें हो जाती, वैसे आप सोच के रखोगे आप ऐसा करोगे वैसा करोगे पर सारी चीज़ें लास्ट में ऐसी ऐसी हो जाती, पर कोई नहीं, हम लोग आ गए थे। और सुंदरकांड का जो पार्ट है वो मॉर्निंग में ही हो गया था, उसकी क्लिप मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर दिया। ये हमारा मेडिकल है एंड जो हॉस्पिटल का टूर है वो आपको कैमरामैन की क्लिप्स में दिखेगा। तो पापा को यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं क्योंकि पापा फर्स्ट टाइम आए हुए थे, मम्मी तो बीच में आई थी तब हॉस्पिटल होकर गई हुई थी और मेरी सिस्टर भी आई थी, बट पापा का फर्स्ट टाइम था। सो उन लोगों ने वीडियो कॉल में पिक्चर्स वगैरह देखी थी जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से उनके साथ में शेयर करी थी। यूट्यूब पर मैंने शेयर नहीं करी थी, सारी चीज़ें छुपा के रखी थी बट फाइनली वो डे आ गया है कि मैं आपके सामने सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। और यहाँ पर है ICU एंड ये देख लीजिए स्ट्रेचर वगैरह पड़े हुए, उसके आगे है जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होता है ना वो सारी चीज़ें, सो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये देख लीजिए ICU रूम है हमारा, ये काफ़ी सारे बेड वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, एकदम नीट एंड क्लीन एकदम रेडी है। तो चलिए अब ये बताते जाएंगे आपको एंड आप देखते जाइए यहाँ पे क्या कैसा है। ये डॉक्टर का चीज अपन ने ओटी बनवाई, देख के डर लगता है इसको तो देखो आप लोग ऐसे खड़े जाओ थोड़ी देर के लिए, चलो हाय करो। सो ये दूसरा ओटी है, और लाजी डॉक्टर में हम बैठा लो हाँ उनकी बात हुई है। हम वहाँ भी एक दिन वहाँ देंगे तो रुकना पड़ता हूँ। और पैथोलॉजी सबसे मुझे थर्ड फ्लोर पे है। बताओ सबसे बड़ी बात ले लेता हूँ। थर्ड फ्लोर और टेरेस रह गया जो कि आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं पूरा हॉस्पिटल का टूर दूंगी। उसमें इतना ही रिकॉर्ड हो पाया था तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया था क्योंकि मैंने खुद से सारी चीज़ें मतलब नहीं करी है, सिर्फ रिकॉर्ड करवाया है। यहाँ पे आ गई हमारी नानी जी जो कि मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हूँ। ये हैं दादी माँ की माँ, सो एंड ये काफ़ी एज की हो गई हैं बट आज भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, तो मैं उनको लेकर आ रही हूँ, बैठा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं एक्चुअली ये।
एंड यहाँ पर चल रहा है मेरा फोटो सेशन और हमारा जो टेम्पल है न्यू वाला, ये बहुत सुंदर लग रहा था। इस यहाँ पर ना एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड करा था गणपति जी की मूर्ति रखेंगे और अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। जो माला वगैरह थी ना उनके साथ में, और पद्मन सिंह जी भी अभी आने वाले हैं तो उनकी भी तैयारियाँ बाकी चलती जा रही हैं। यहाँ पर चल रहा है मॉम डैड के साथ में हमारा पूरा फोटो सेशन। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी, मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये सारी चीज़ें आज हमें देखने के लिए इतनी जल्दी लाइफ में मिल गई हैं। एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आई एम सो हैप्पी गाइज। अपना प्यार आशीर्वाद हमारे साथ में ऐसे ही बनाए रखिएगा जो भी इस वीडियो को हमारे बड़े देख रहे हैं, एंड ऊपर वाले का आशीर्वाद टचवुड है हमारे साथ में। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी हमारी पूजा वगैरह यहाँ पे चल रही है एंड जो आरती वगैरह शाम को होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। रात तक, मतलब सुबह से लेके रात तक का पूरा स्टार्ट हो गया था खाना पीना, तो वो बाहर चल ही रहा है। बीच बीच में आपको सारी चीज़ें दिखाती जाऊंगी, इसी वजह से मैंने अपने फ़ोन से खुद से रिकॉर्ड करा। ये इनकी 3 साल की मेहनत है गाइस, जो आज रंग लाई है। कहते ना जो बरसते हैं वो बरसते हैं, जो बरसते हैं वो बरसते नहीं। विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट, आज इन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से करा हुआ है। नानी है, दादी माँ की मम्मी है, आप बहुत अच्छी तो यहाँ पर हमारे पंडित जी आ गए हैं, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया है तो मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा होगी, बट वैसे भी लेट हो ही गया था इन सारी चीज़ों के चक्कर में। जल्दी 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 करते करते भी लेट हो ही जाता है। एंड यहाँ पर जो डेकोरेशन है ना गाइज, ये पता है आपको 2000 का पहले डिसाइड हुआ था, 2000 बलून का पूरा डेकोरेशन होगा, बट जब ये आया तो उन्होंने लगा बहुत कम लग रहा है यार, इसको बढ़ाओ, तो इसमें 3000 बलून्स और भी ऐड करवाए एंड पूरा हॉस्पिटल अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाया है, जो कि अभी मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। जितना रिकॉर्ड हुआ उतना ही मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो धीरे धीरे आपको मैं सारी चीज़ें दिखाने वाली है। मैं चलती हूँ अभी, आपको इनका ऑफिस दिखाती हूँ। हालांकि अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, बट यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, मेरा भाई बैठा हुआ है। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, है ना? वी आर सो हैप्पी, सो हैप्पी। हमारे ताऊ जी जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हैं दादी माँ। अब मेरे से जितना पॉसिबल हो रहा है ना उतना मैं ब्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ। हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट विशेस, थैंक यू। हम लोग, मतलब इसने मेरा बॉस आ दिया, इसने मेरा पूरा ब्लॉग वगैरह पूरा शूट करा हुआ है। मैं इसको बहुत परेशान कर रही थी, इधर से शूट करो ऐसे करो, हालांकि फिर भी इन्होंने पूरा कैमरे वाले सब लगा के रखे हुए हैं, बट जो फोन से ब्लॉग करने की बात होती है बात तुरंत आ जाएगा। हाँ, उतना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा एडिटिंग वगैरह, तो उसमें भी पूरा ब्लॉग ही एक तरह का शूट हो रहा है, बस उसमें मैं बोल ले रही हूँ, बस बोली भी शूट। तो फाइनली जो रेड रिबन है वो कट होने जा रहा है। तो आपने देखा जैसे कि फाइनली रिबन कट हो गया है, आज से हमारे हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है। बहुत इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं क्यों, सपना था हमारा ये चीज़, आज जो पूरी हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस भगवान किसी की नज़र ना लगे और सब कुछ हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस बहुत बहुत खुशी की बात है। एंड आज मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, दिल से बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इतनी जल्दी इतना अचीवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। और 1 ईयर भी नहीं हुआ अभी, 1 ईयर, 1 ईयर पहले कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब हुई थी, बट ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट जो भी है आज सब कुछ बहुत अच्छा है एंड दे रहा है, दुरुस्त है सारी चीज़ें। चलो मैं आगे रिकॉर्ड करती हूँ। आपके साथ
माता मम्मी लो रही है ये तो रोने कौन सी बात थी ये तो खुश यहाँ पर आए हुए इनके इनके स्कूल फ्रेंड अरुण भैया अच्छी चीज लगा दो खाना खिलवा रहे हैं यार अभी मिलाती हूँ विशाली के दोनों सिस्टर्स से ये देखिए ये छोटी वाली दीदी ये है बड़ी वाली दीदी एंड ये उनका भतीजा बड़े ही प्यारा सा कर रहे हैं सारा काम वगैरह सुबह से लगे हुए हैं विशाल भी इनफैक्ट हमें लेने भी वही आए हुए थे साड़ी वहाँ पे कैसा लग रहा है आज आपको कितना खुशी हमारा फरार वाला खाना फ्रेंड आए हैं आकाश वर्मा मतलब भैया Congratulations. Oh! ये टेस्ट के दोस्त लेके आए हैं।
मम्मा वगैरह को बांधा निकलना था, बट अभी इनका जस्ट अभी अभी सडन कॉल आया है, पापा माँ सब लोगों ने मना किया हुआ है कि नहीं जाना रात में, वो अभी निकलने वाले थे बट अब वो कल जाएंगे। अभी भी देखो कुछ कंफर्म नहीं है। पैकिंग करने के लिए मैं अपनी छोटी सिस्टर के साथ में आ गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसकी हेल्प करा दूँगी, एंड मम्मी वगैरह वहीं हॉस्पिटल में ही हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए गाइस, बैग्स, कपड़े, गिफ्ट्स, सारी चीज़ें कैसे कैसे फैला हुआ है सारा कुछ। अभी हम वापस आ गए हैं यहाँ बिल्डिंग में, मतलब बिल्डिंग सॉरी हॉस्पिटल में। जब तक बना नहीं था ना तब तक मैं उसको बिल्डिंग ही बोलती थी, इनफैक्ट मैं और ये दोनों ही हम लोग बिल्डिंग बोलते थे। आधे घंटे बाद हम आ रहे हैं। क्यों नहीं ले बेटा? गाइस मैं खाने जा रही हूँ खाना, सबसे लास्ट में सबने खाना खा लिया है अभी। सो गाइज अगर आप लोग आना चाहते हैं, आपको भी कोई प्रॉब्लम है या किसी का इलाज करवाना है आपको या आपके कोई भी है, तो अगर आप विजिट करना चाहते हो तो D9 बसंत बिहार में आपको आना है, एंड यहाँ पे हर तरीके के इलाज होते हैं। इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, आपको बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। बाकी ये रहा हमारा भारत हॉस्पिटल कार्ड, तो अगर आप आते हैं तो मेरा नाम या मेरे हस्बैंड का नाम आप लेकर आ सकते हैं। बाकी आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स सारा कुछ मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे भी शेयर कर दूंगी या फिर स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो आप लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर, एंड
ये हॉस्पिटल है ग्वालियर में। गाइस शायद मम्मी ने ना स्टेटस पे या फिर पता नहीं कैसे किसी सब लोगों को पता चल गया है कि हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है और वजह से तो सभी लोग का फोन आ रहा है मम्मा के पास में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं बधाइयां दे रहे हैं तो मम्मा वही बता रही हैं इनको। बाकी सारा फंक्शन अच्छी तरीके से हो गया तो जब बहुत कुछ था बहुत अच्छे से शूट करूंगी ऐसा वैसा पर आपको पता है कि शूट करने वाली मैं ही हूँ। बट हाँ कैमरा मैन ने शूट करा हुआ है बट वो रात तक तो नहीं है अभी तक तो नहीं अभी तो वो जा चुके हैं तो जो नाइट टाइम का डिनर वगैरह है आई थिंक वो शायद उन्होंने शूट नहीं करा होगा। बट हाँ दिन का तो उन्होंने सारा शूट करा एंड मैं सुबह बहुत लेट आई थी तब तक सुंदरकांड का पार्ट हो चुका था बट उसकी क्लिप्स हैं मेरे पास पीटर भाई ने भी बनाई हुई थी एंड प्लस कैमरा मैन ने भी बनाई हुई थी तो है तो देखेंगे आपके साथ में ब्लॉग कब तक आता है। ये बात है 13 अक्टूबर को हमारा इनॉग्रेशन हुआ था जब तक आपके पास नेक्स्ट वीडियो जाएगा तब तक आई थिंक 15 हो जाएगा 16 हो जाएगा मुझे पता नहीं है। बहुत जल्द जल्दी में सारी चीज़ें हुई हैं आप लोग साथ में शेयर तो करा था मैंने पर बहुत ओपनली होकर सारी चीज़ें नहीं बोली थी क्योंकि मुझको नहीं शेयर करना था गाइस मतलब इतनी जल्दी सब कुछ मेरे पास सब चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद में शेयर करूँगी तो मेरा तो लग जाती है और नहीं भी लगती है मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है सुन के किया हाँ अभी ये हॉस्पिटल के मालिक है और अपनी खुद की मेहनत मतलब खुद की मेहनत से इन्होंने सारा कुछ करा हुआ है तो इतनी एज में इतना बड़ा अचीवमेंट पाना कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है लाइफ में आपको बहुत स्ट्रगल बहुत मेहनत करनी होती है सारी चीज़ों के लिए तो वो हम दोनों ने ही मिलकर करी। हमारी शादी को 3 इयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं एंड 3 इयर्स से इनका था कि मुझे कुछ अपना करना है हमारा बिजनेस है इंडस्ट्री हमारी थ्रेड वर्क है सीमेंट गोडाउन वगैरह है सारी चीज़ें बट होता है ना आपको खुद से कुछ करना है कुछ अचीवमेंट पाना है इसी वजह से इन्होंने सिंगल 1 रुपीज़ घर से ना लेकर भी इतना बड़ा अचीवमेंट करा सो बहुत अच्छी बात है एंड सब लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं प्यार दे रहे हैं हमारे रिलेटिव्स वगैरह तो उन सबको दिल से शुक्रिया। काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आए थे एंड जो नहीं भी आए कोई बात नहीं चलता है खुशियाँ हैं जिसको खुशियाँ मनानी होती है वो साथ होते हैं जो अपने होते हैं वो साथ होते हैं। लाइफ में मैं आपको एक बता दूं आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं जब आप कुछ भी नहीं होते हो जब आप अकेले होते हो एंड जब आपके पास में सब कुछ होता है ना तो आपके पास सब लोग होते हैं तो ये चीज़ मैंने फील करी है हमारा एक्सपीरियंस मेरा और इनका दोनों का रहा है। एंड पता है आपको हम पूजा में भी साथ में नहीं बैठ पाए इसलिए माँ पापा बैठ गए थे पूजा में नहीं तो हम लोग को पूजा में बैठना था हवन वगैरह करना था तो डॉक्टर्स वगैरह आ गए थे और भी सर्कल के लोग थे सब लोग आ गए थे तो उनको सारी चीज़ें दिखाना बात करना उनको सारा हैंडल करना तो सब कुछ इनका मतलब ही था कि इनको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है सब कुछ। कोई बात नहीं मैं शाम की जो आरती वो अटेंड कर ली थी तो आरती हमें साथ में कर ली थी मिलकर बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी ना रात के 12 बज गए हैं तो मैं जा रही हूँ फैमिली के साथ में घर ये तो बाद में आएंगे तो चलिए मैं आपको इनॉग्रेशन के पहले गिफ्ट्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ना यहाँ पे सिल्वर का मतलब चांदी का नोट है जो कि है 2000 रुपीज़ वाला एंड काफ़ी अच्छा शाइन कर रहा है देख सकते बहुत ही सुंदर लग रहा है ये मेरे पास मतलब हमारे घर में भी रखे हुए हैं बाकी गेस्ट को दिए हैं वो अलग ही है। सो उसके अलावा स्वीट्स ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे जिसमें काफ़ी यम्मी यम्मी सी स्वीट्स वगैरह थी हमारे गिफ्ट थे ये हमारे गेस्ट के लिए थे एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आपके साथ में पहले दिखा देती हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट गाइस टेक केयर बाय बाय।